हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता, जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपका दोस्त, आपका मित्र। कल 21 जुलाई को 20th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग हुई थी। उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या डिसीजंस लिए और क्या क्या राहत मिली, इन सारे बातों को आज आपके सामने मैं बताऊंगा। पूरे चीज को लगभग कवर कर दिया गया है। अगर जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन और ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरा नंबर 8896126395 पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, अभी तक आप मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेनली लगभग 10 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। कंपोजिशन डीलर के लिए स्कीम में क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या उसमें डिसीजन लिए गए हैं। रिटर्न प्रोसेस में जो बहुत ही लोग वेट कर रहे थे टैक्स पेयर, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर होगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या रेट में चेंजेज हुए उसके बारे में भी बताऊंगा। ई कॉमर्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए उसके बारे में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन लिमिट में क्या कोई चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आरसीएम में भी कोई न्यूज है, यस आरसीएम में भी कोई न्यूज है, उसके बारे में बताऊंगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके सामने बताऊंगा। माइग्रेशन से भी रिलेटेड कुछ न्यूज है मैं आपको बताऊंगा और अदर पॉइंट्स भी हैं। आइए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैं उसकी चर्चा करूंगा। अभी माइग्रेशन विंडो की ओपन कर दिया गया है 31 अगस्त 2018 तक के लिए। जो लोग माइग्रेट नहीं करा पाए थे उनके लिए सरकार की तरफ से खुला ऑफर है कि आप 31 अगस्त तक अपने माइग्रेशन को अगर नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो करें। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आपको बता दूँ, ये बिना जुडिशियल से मिले आपको नहीं होगा, आपको जुडिशियल से अपने मिलना पड़ेगा तभी ये होगा, लेकिन ये तब भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी बात, शुगर सेस पर कोई डिस्कशन हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसको अभी भी पेंडिंग में रखा गया है। तीसरी बात, स्टोन मार्बल्स वुड्स की जो मूर्तियां बनती थी उसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, एग्जेम्पशन दे दिया गया है। रेट ऑफ चेंज में जो हुए हैं वो कब से इफेक्टिव होंगे, वो एंसर होगा कि 27 जुलाई से ये इफेक्ट होगा, जो भी रेट कल अगर चेंज बताए गए हैं। दूसरी बात, होटल्स के इंडस्ट्री के लिए भी कुछ चेंजेज हुए हैं, यस। होटल्स में पहले जो टैक्स लगता था वो डिक्लेयर टैरिफ लगता था, उसको चेंज करके अब वो नहीं लगेगा, अब जो लगेगा वो एक्चुअल टैरिफ बेसिस पे टैक्स को चार्ज किया जाएगा। तीसरी बात, काउंसिल की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है सिंपलर रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, जो अभी तक के लिए टैक्स पेयर वेट कर रहे थे कि मेरा रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंस इजी हो, वो खबर आ चुकी है। प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखें, आपको सारी खबर मिलेगी। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना सबके लिए कंपलसरी था, अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगता है उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एक और बात, टेक्सटाइल उद्योग के लिए ये मांग थी कि वो अपने टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो क्या उनका रिफंड कब किया जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका रिफंड का प्रोसेस 27 जुलाई के बाद से रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे और बातें करते हैं हम लोग। आपको हम बताए थे कि 9 पॉइंट्स थे, उसमें से कंपोजिशन स्कीम की भी बात थी। कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है उसको 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा, कर दिया गया नहीं है, यानी कि अभी भी लिमिट 1 करोड़ ही है, यानी कि उसकी टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ने रिकमांड कर दिया गया है काउंसिल की तरफ से। दूसरी बात, कंपोजिशन डीलर्स को पहले सर्विस की अनुमति नहीं थी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, लेकिन पिछली मीटिंग्स में सर्विस के लिए भी अलाउ कर दिया गया, उसकी लिमिट को आज पूरी तरह से बताकर ये क्लेरिफाई कर दिया गया कि कंपोजिशन डीलर अपने टर्नओवर का 10% तक वो क्या दे सकता है, सर्विस दे सकता है या 5 लाख तक, दोनों में से जो क्या हो हायर हो।
दूसरी बात और करते हैं यहाँ पे, क्या आरसीएम में कुछ चेंजेज हुए हैं? आरसीएम पहले ही बता दिया गया है एक नोटिफिकेशन के तहत, बट यहाँ पर भी आपको बता दें आरसीएम को डेफर्ड कर दिया गया है 30 सितंबर 2019 तक के लिए, इसको डेफर्ड कर दिया गया है। यानी कि अभी आरसीएम में दो सेक्शंस होते थे, 9 सब सेक्शन 4 और 9 सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 अभी भी उस पर अप्लाई होगा। यहाँ पर जो बात हो रही है आरसीएम की, 9 सब सेक्शन 4 यानी अनरजिस्टर्ड से कोई परचेज करते थे उनकी बात, तो उनको अभी डेफर्ड कर दिया गया 30 सितंबर 2019 तक के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और क्या क्या चेंज हुए हैं मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आइए, हम आपसे बात कर रहे थे उस समय कि क्या कोई रजिस्ट्रेशन लिमिट्स में भी चेंज हुए हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेज हुए हैं। पहले लिमिट्स जो नॉर्मल थी 20 लाख थी, और स्पेसिफाइड कैटेगरी के जो स्टेट थे उनकी लिमिट 10 लाख तक थी, अब उनको बढ़ाकर 20 लाख के कैटेगरी में उनको भी ला दिया गया है। जैसे स्पेशल कैटेगरी कौन कौन थे, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, उन लोग की भी लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख तक की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि पहले होता था कि एक पर्सन अपने स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेकर अपना बिजनेस कर सकता है, मैंडेटरी था पहले। अब उस चीज़ को उसको यह ऑप्शन दे दिया गया है कि वो अपना मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट में कर सकता है। यानी कि पहले ये सुविधा नहीं थी कि एक टैक्स पेयर जो है अपना बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं, अब ये कर दिया गया कि मान लीजिए आपका कुछ और बिजनेस है, उसका टाइटल कुछ और रखना चाहते हैं, दूसरे बिजनेस का टाइटल कुछ और रखना चाहते हैं, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से ये अनुमति मिल गई है कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था ई कॉमर्स ऑपरेटर में, बट अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों के लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट ए सोर्स, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, मैंने TCS को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट था वो था कैंसिलेशन, क्योंकि बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करा के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे थे लेकिन उनका कैंसिलेशन हो ही नहीं रहा था, उसके बाद से उनको रिटर्न की कंप्लायंस पूरी करनी पड़ती थी या बहुत बड़ा पेनल्टी भी भरना पड़ रहा था। मेरे क्लाइंट के साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है। तो वो चीज़ें आज सरकार की तरफ से बहुत, अगर मैं मानूँ तो सबसे अच्छे डिसीजनों में ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि जो कैंसिलेशन आप रजिस्ट्रेशन हो जाती थी उसके बाद जब तक अप्रूवल नहीं मिलता था तब तक उनको कंप्लायंस करना पड़ता था या पेनल्टी देनी पड़ती थी, उनको बोल दिया कि टैक्स पेयर को लिए रिलीफ कर दिया गया, कंटिन्यू कंप्लायंस ऑफ द अंडर टैक्स लॉ, मतलब उनको रिलीफ कर दिया गया कि जिस दिन आप कैंसिलेशन होगा उसी दिन वो जो है अप्रूवल हो जाएगा, आपका जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा उसका कैंसिलेशन, और उनको अपने कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनको आगे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत एक अच्छा निर्णय था मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे थे कि रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस की, ऑल टैक्स पेयर्स को क्यों कौन किसको किसको छोड़कर, स्मॉल टैक्स पेयर और फ्यू एग्जेम्प्शन ISD के लिए 1 मंथली रिटर्न तो है ही है। रिटर्न इज सिंपल विथ 2 टेबल, रिटर्न को बहुत ही सिंपली तरीके से बनाया जाएगा जो 2 टेबल्स में होंगे, जो एक रिपोर्टिंग होगी ऑनवर्ड यानी सेल की और एक होगी वन ऑफ द वेल इनपुट क्रेडिट बेस्ड ऑन इनवॉइस अपलोड बाय सप्लायर, और दूसरा होगा परचेज, मतलब सेल और परचेज के लिए बहुत ही 2 टेबल में एक रिटर्न बनाया जाएगा। तीसरी बात, ये नील रिटर्न के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जो लोग का ट्रांजेक्शन हो रहा था उनके लिए तो रिटर्न भरा ही जा रहा था जैसा नॉर्मल है, लेकिन जो नील रिटर्न वाले हैं उनको भी उसी में ही वो सारी चीज़ें सेम थी, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि नील रिटर्न वाले को जिसका कोई सेल परचेज नहीं है उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपने SMS से रिटर्न को फाइल कर देंगे कि मेरा कोई, मतलब SMS के जरिए उनका रिटर्न फाइल होगा नील के लिए, तो बहुत ही
सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है। उसके बाद से क्वार्टरली रिटर्न अब भरना होगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। जिसका टर्नओवर अगर उनका एनुअल 5 करोड़ तक है उनको अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको जो है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है, जैसा है वैसा भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है भैया, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी, आप चाहें तो नॉर्मल जैसा करते तो वैसा करिए। ऑप्शनल है ये भी है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे सिमिलर टू मेन रिटर्न विथ मंथली पेमेंट, मगर आपका टैक्स का पेमेंट जो है क्वार्टरली नहीं होगा, आपका टैक्स का पेमेंट मंथली होगा। अब सरकार कैसे इस चीज़ को करती है अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट ये बोल दिए कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको क्वार्टरली रिटर्न भरना है, उनको मंथली रिटर्न नहीं भरना है। अब ये चीज़ें हैं कि दो रिटर्न को दो चीज़ों में बांटा गया। मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा इंडिकेट भी किया है कि टू काइंड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एक स्मॉल ट्रेडर होते हैं एक बिग ट्रेडर होते हैं, जैसे एक बी टू सी होता है तो उनके लिए हमको लग रहा है सुगम टाइप की एक जो है एक रिटर्न बनाएगी, और जिनका बी टू बी और बी टू सी दोनों उनके लिए सहज एक रिटर्न बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन की बात कर लिए, रिटर्न प्रोसेस की बात कर लिए, ई कॉमर्स की बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन रेट की। तो क्या क्या चेंजेज हुए हैं, देखिए 18% के जो रेट्स थे, जो 18% के रेट्स थे उनको 5% कर दिया गया है, उनको 5% कर दिया गया है। मतलब इधर से इधर गया, आप इधर से इधर मत समझ जाइएगा, 18 से 5, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिनका रिटर्न, जैसे ई बुक पहले जिसका रेट 18% था, जो बुक ऑनलाइन आप लोग खरीदते हैं बेचते हैं उस पर 18% था, उनको घटाकर 5% कर दिया गया है। और क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे 500 रुपये तक पहले फुटवेयर आप खरीदते थे उन पर 18% जीएसटी लगती थी, ठीक है, अब उसको 5% कर दिया गया है। रिटेल सेल प्राइस अप टू 1000 रुपये तक आप खरीदेंगे तो उसकी जो है 5% लगेगी, जैसे पहले 500 रुपये तक आप खरीदते तभी आप 5% जीएसटी था, अब कह दिया गया कि 1000 रुपये तक आप अगर आप फुटवेयर खरीदते हैं तो आपको 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। 5% से अधिक कब देना पड़ेगा, वो 1000 से अगर अधिक अमाउंट है तभी देना पड़ेगा। एंथॉयल ऑयल अगर ऑपरेटिंग ऑपरेशनल ओएमसी, मतलब ओएमसी कंपनी से अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं जैसे एंथॉयल ऑयल तो उसका रेट 18 से 5 कर दिया गया है। तो ये तीन मेजर चेंज हुए हैं 18 से 5 में, तीन चीज़ क्या हुए, ई बुक्स, फुटवेयर और एंथॉयल ऑयल। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी बात में क्या आएगी कि 12 से भी 5 में कुछ चेंज हुए हैं। 12 से 5 में क्या हुआ है, सेनेल फैब्रिक एंड अदर फैब्रिक अंडर हेडिंग 5801 का जो एसेशन कोड से आते हैं फैब्रिक्स, उनका रेट 5% कर दिया गया है। हैंडलूम दर्री जो बनाई जाती है उन दर्री का भी रेट 12 से 5 कर दिया गया है, ये चीज़ें सस्ती होंगी। अब फास्फोरिक एसिड जो फर्टिलाइजर ग्राइंड के लिए यूज होता है, जो फास्फोरिक एसिड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उनका जो रेट पहले 12% था उनको 5% कर दिया गया है। नेट कैप होते हैं टोपी रिटेल सेल, अगर 1000 से अधिक का वो वैल्यू नहीं है कोई टोपी होता है उसको अगर आप खरीदते थे पहले 12% लगता था उसका रेट अब 5% कर दिया गया है। और क्या चीज़ें 5% कर दी गई है, हैंडमेड मतलब जो हाथ से बनाई जाती है कारपेट या अदर हैंडमेड टेक्सटाइल, फ्लोर कवरिंग, हैंड वूमेन टेस्प्रीज, हैंडमेड ब्रिड एंड ऑर्नामेंटल ट्रिमिंग इन द पीस टोरेन, ये सब चीज़ों का रेट पे 5% कर दिया गया है। अगर इसका आपको एनेक्जर चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। क्या क्या चीज़ें, ये तो 5% में हो गई है, क्या चीज़ें 18 से और 12 में हुई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे कि 18 से 12 में कौन कौन से रेट चेंज हुए हैं। बम्बू फ्लोरिंग, बांस के जो फ्लोरिंग होती है उसका रेट जो है सर्विस होता था तो उसका रेट पहले 18 था, अब उसका रेट 12% कर दिया गया है। सॉरी, ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव का भी रेट 18 से 12 कर दिया गया है। हैंड ऑपरेट रबर रोलर जो यूज करते हैं हाथों से रोलर, उसका रेट भी अब 18 से 12 कर दिया गया है रेट अब जीएसटी।
जी पर स्लाइड फेस्टनर का भी रेट जो है, जो यूज होते थे पर्सों में या अलग बहुत जगह यूज होते थे जी, उसका रेट 18 से 12 कर दिया गया है। हैंडबैग का भी रेट जो है 18 से 12 कर दिया गया, इंक्लूडिंग पंच या पर्स ज्वेलरी बॉक्स भी उसमें आ जाएगा। वुडन फ्रेम या पेंटिंग फोटोग्राफ या मिरर्स का भी रेट 18 से 12 कर दिया गया है। स्टोन आर्ट अगर कोई आर्ट्स बनाए जाते थे उसका भी रेट घटाकर 18 से 12 कर दिया गया। ऑर्नमेंट फ्रेम मिरर्स जो होते थे जो एक फ्रेम में बनाए जाते हैं उसका भी रेट 18 से 12 में कर दिया गया। ग्लास स्टैट्यू अदर टोज इज द क्रिस्टल या कोई ग्लास आर्ट वेयर्स होते हैं जैसे पॉट जार वटी कास्को केक कवर एटसेट्रा, उनका भी रेट जो है 12% हो गया। एल्युमिनियम आर्ट्स वेयर का भी रेट जो है 12% हो गया है। हैंडक्राफ्ट लैम्प जो लैम्प इंक्लूडिंग पंचलोगा लैम्प जो होता है, पंचलोगा लैम्प आप देखे होंगे, उसका भी रेट 18 से 12 कर दिया गया है। वर्क वेजिटेबल या मिनरल कार्ब या आर्टिकल्स जो होते हैं उसका भी रेट जो है 12% कर दिया गया है। गंजीफा कार्ड्स का भी रेट 12% कर दिया गया है। और क्या क्या चेंज हुए हैं अभी तक, तो आप 5% की चीज़ें क्या क्यों हुई उसके बारे में जाने, 12% में हुई क्या क्या जाने। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि 12% में यहाँ पर एक और चीज़ आ रहा है यहाँ पे कि 28 से 12 फ्यूल सेल व्हीकल का रेट पहले 28% होता था, अब उसका रेट जो है 12% हो गया है। और उस पर सेस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, सेस फ्यूल सेल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सेस से। अब हम लोग बात करते हैं किसका रेट जो है ख़त्म ही हो गया, पहले 18, 12, 5 लगते थे उसका रेट अब ख़त्म कर दिया गया। क्या क्या चीज़ें हैं आइए जानते हैं। पहले आपको ये बताए थे कि कोई अगर स्टोन मार्बल या वुड से कोई अगर देवी देवताओं का मूर्तियां उर्तियाँ बनाते हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, भगवान के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। राखी को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया, पहले इस पर 18% शायद एक नोटिफिकेशन आया था टैक्स लगेगा, अब इसको राखी एग्जेम्प्ट हो गया। सैनिटरी नैपकिन को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, कोरपीत का कैंपोस्ट को भी अब टैक्स नहीं लगेगा। साल लेवी सेली लीव या देयर प्रोडक्ट सबाई रूप को भी नील कर दिया गया है। फूल भरी झाड़ू को भी अब नील कर दिया गया है। खाली दोना को भी नील हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है लगभग महंगाई दरें लगभग कम होंगी क्योंकि इससे कॉस्ट कम होगा। आगे और बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सबसे मेजर जीएसटी रेट में जो चेंजेज हुए हैं 28 से 18 क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पेंट्स वर्नीस इन और उसमें क्या इंक्लूड होगी, एनेमल्स लेक्वायर पेंट्स और जो वर्निश होती हैं जो अनेक घरों में जब रिपेयरिंग या जब उसमें यूज होते हैं घर बनाने में तो वहाँ पे जो है यहाँ पे डेकोरेट करने में तो उनका रेट भी जो है अब 28 से 12 कर दिया गया। सॉरी ग्लेजरी पुट्टी जो पुट्टी होती है घरों में उनका भी उस मटेरियल्स का भी रेट जो है कम कर दिया गया है। ग्राफ्टिंग पुट्टी या रेसिन सीमेंट का भी रेट 28 से 18 कर दिया गया। रेफ्रिजरेटर का भी रेट कम हो गया। फ्रीजिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग वाटर कूलिंग मिल्क कूलर रेफ्रिजरेटर लेदर इंडस्ट्री आइसक्रीम फ्रीजर इन सब रेफ्रिजरेटर फ्रीज इन सब चीज़ों का रेट जो है पहले लग्जरी गुड्स में लगभग था उसका रेट घटाकर 28 से 18 कर दिया गया है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इन सब चीज़ों का रेट घटाकर 28 से 18 कर दिया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे क्या क्या चीज़ें, फूड ग्राइंडर मिक्सर जो मसाले वसाले पीसने के लिए यूज होता है, जूसी एक्सट्रैक्टर उन सब का भी रेट मतलब इलेक्ट्रिक आइटम्स का भी रेट जो है यहाँ पर कम कर दिया गया है। उसके बाद हेयर ड्राई हैंड ड्राई इलेक्ट्रॉनिक किस्म होती हीटर्स जो सैलून वलून में काफ़ी जो है ब्यूटी पार्लर्स में यूज होता है उनका भी रेट घटा दिया गया है। टेलीविजन टीवी का भी रेट घटा दिया गया है बट एक चीज़ ध्यान रखिए वो बस 68 सेंटीमीटर तक की टीवी होगी तभी घटाया जाएगा, वरना अगर इससे अधिक है तो 28 ही लगेगा यानी कि लगभग 27 इंच का आसपास का होगा मे बी। स्पेशल पर्पज मोटर व्हीकल्स जैसे क्रेन लॉरी फायर फाइटिंग व्हीकल कंक्रीट मिक्सचर लॉरी स्प्रे लॉरी 1/4 का भी रेट घटा दिया गया है। वर्क
वर्क ट्रंक का भी रेट जो है घटाकर उसको 18% अप कर दिया गया है। ट्रेलर रेट, सेमी ट्रेलर, सेंट स्प्रे या सिमिलर टॉयलेट स्प्रे, इस तरह के जो चीज़ें हैं टॉयलेट प्रिपरेशन में जो यूज होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक अप्लायंस एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों को जो है घटाकर 28 से 18 कर दिया गया है। आइए अब और क्या चीज़ें हैं, और चीज़ें यहाँ पर हैं कि ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड नो सप्लाई, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है नो सप्लाई होती है, मतलब नो टैक्स पेबल। तो शेड्यूल थ्री में जैसे 3 शेड्यूल्स होते हैं, उसमें से शेड्यूल 3 में नो सप्लाई नो टैक्स पेबल होता है। तो उन सब चीज़ों में क्या कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, हाँ हुए हैं कि अगर कोई सप्लाई होती है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को जाती है विदाउट इंटर किए हुए इंडिया में, तो नो सप्लाई नो टैक्स पेबल होगा। अगर कोई वेयर हाउस सप्लाई ऑफ वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग रेंस ऑफ होम कंजम्पशन होता है तो भी वो नो सप्लाई में होगा। सप्लाई ऑफ इनकेस ऑफ हायर सीज सेल अगर हो रहा है तो नो सप्लाई उसको माना जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और डिसीजन यहाँ पर एक रिकमेंड किया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया। इनपुट टैक्स का एरिया कौन कौन से बढ़ाया गया है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरल थ्री में था कि अगर कोई मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी, अगर उसकी कैपेसिटी मोर देन 13, अगर 30 से ज़्यादा है वेसल या एयरक्राफ्ट, तो उस पर भी ITC मिलेगी। मोर व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मनी फॉर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर कोई मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको भी ITC मिलेगी। इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, तो उस पर भी आपको क्रेडिट अवेलेबल होगा। सर्विस ऑफ जनरल बिजनेस इंश्योरेंस या रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए अगर कोई चीज़ होता है फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में, तो उसका आप जो है क्रेडिट ले सकते हैं। और कोई ऑब्लिगेशन होता है एम्प्लॉयर का प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई को, तो उसको भी आपको अंडर एनी लॉ द टाइम ऑफ बींग फोर्स, तो उस पर भी आपको ITC की कैटेगरी में बढ़ाया जाएगा। और चीज़ें क्या है, और चीज़ें भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे अगर कोई रिसिपिएंट आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो आपको उसका कुछ करना होता है क्या, जैसे कि अगर कोई रिसिपिएंट आपको पेमेंट देने से पहले 180 दिन तक फेल हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट 180 दिन से तक पेमेंट देने में फेल हो जाता है और इनवाइस कैंसिल हो जाती है या फिर किसी तरह से वो ट्रांजेक्शन ब्रेक हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप लिए थे तो ITC लिए थे, अब वापस करेंगे तो आप ITC को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। लेकिन ये मत समझिए कि आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, जितने दिन तक आप उस चीज़ को होल्ड किए होते उसको आप लाइबिलिटी में क्रिएट होगा, वो लाइबिलिटी क्या बनेगी, पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा जो भी रेट हो, 24 या 18 होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और, रजिस्टर्ड पर्सन में इशू ए कंसोलिडेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइस, फाइनेंशियल डेबिट और क्रेडिट नोट का कंसोलिडेटेड बिल भी आप इशू कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है हर बिल के साथ अलग अलग डेबिट क्रेडिट नोट यूज करें। एक और चीज़ें कर दी गई है कि ये सब चीज़ें जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कोई अपील अगर करते हैं AO को तो आपको कैप्ड करना पड़ेगा 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक, पहले प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। कमिश्नर अगर चाहे तो आपके टाइम लिमिट रिटर्न ऑफ इनपुट, कमिश्नर अगर चाहे उसके पास एम्पावर है कि आपके टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है, कब, जब कोई रिटर्न ऑफ इनपुट कैपिटल सेंट ऑन जॉब वर्क टू अपवर्ड पीरियड 1 year to 2 year, उसकी पीरियड को अगर 1 साल से 2 साल तक बढ़ा सकता है। अगर जॉब वर्कर से कोई काम हो रहा है और उसका इनपुट अगर टाइम लेट हो रहा है तो उसके लिमिट को बढ़ा सकता है। अगर कोई सर्विस आप सप्लाई ऑफ सर्विस क्वालिफाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेमेंट अगर रिसीव इंडियन रुपीज में फिल हो रहा है, फिर भी आपको RBI से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई रिकवरी मेड बाय डिस्टिंक्ट पर्सन ऑर्डर ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन इनपुट टू बी रेशनलाइज, इन सब सारी चीज़ों बातों को देखते हुए आप लोगों ने सारी चीज़ों को लगभग हमने कवर किया। अगर आपको इसमें से अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको डाउट लगती है या फिर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप जो है
हमसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस चीज़ों पर फिर से एक बार और देखूंगा। एक और चीज़ आपको बता दें कि स्माल से एसएमए और मसमी उद्योग जो छोटे ये उद्योग हैं उनके लिए काउंसिल की तरफ से कल अनाउंस कर दिया गया कि मसमी एमएसएमआई की सेक्टर्स को फोकस करेगी। वो कब करेगी? 4 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। उस दिन एक निर्णय होगा छोटे और मध्यम वर्ग के लघु बिजनेसमैन के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या बदलाव हुए, क्या निर्णय हुए, मैं सारी चीज़ें लगभग 28 जीएसटी काउंसिल मीटिंग को मैंने यहाँ पर आपको बताया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार गुप्ता, जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।